प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्पलीटेड हाफ़ पार्ट ऑफ द स्टोरी जिसमें नसरुद्दीन को टेस्ट उनके जो मेंस थे वो देते हैं कि तुम्हें बाहर रहना है ठंड में तो उसके बाद क्या होता है वी विल कंटिन्यू टुडे फ्रॉम द व्म ऑफ देयर हाउस होम्स तो उसको टाउन स्क्वायर में छोड़ने के बाद सब अपने घर की खिड़कियों से दैप्ट देर आइजॉन मुला वो मुला को देखते रहे नसरुद्दीन हेड फेस्ड मैनी हार्डशिप्स नसरुद्दीन ने पहले भी ऐसी हार्डशिप्स झेली थी लाइफ में जिसमें उसको ट्रैवल करना पड़ता था ही हैड ट्रेवल्ड ओवर स्नो कवर्ड माउंटेंस वो पूरी बर्फीले माउंटेंस में ट्रैवल कर चुका था एंड इन द ओपन ऑन माउंटेन साइड्स और वहाँ सो भी चुका था जहाँ आईसी ठंडी हवाएँ चलती थीं स्पेंडिंग द नाइट इन द टाउन स्क्वायर वहाँ जब वो रात को टाउन स्क्वायर में अपनी नाइट बिता रहा था With buildings all around to protect him from the wind, was easy in comparison. तो अगर वो पहले mountains पर ट्रेवल कर चुका था तो ये चीज़ें तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी Of course he had to find ways to keep himself warm. पर इतनी ज़्यादा ठंड में उसको कुछ तो करना था अपने आप को गर्म रखने के लिए He started running. अराउंड द स्क्वायर एंड जंपिंग अबाउट तो वहाँ पर भागने लगा कूदने लगा ही डिट पुश अप वो पुश अप और सिटअप्स करने लगा फॉर अ चेंज ही टर्नड कार्टवील्स कार्टवील्स मतलब वो हेड से जो एक्सरसाइज करते हैं एंड सोमर सॉल्ट जब हम पूरा हेड नीचे रख के अपने हैंड्स के थ्रू खड़े हो जाते ही कैप्ट द ब्लड पम्पिंग थ्रू हिज वेन्स फाइनली द फर्स्ट रेस ऑफ द सन अपीयर डवर द हॉरिसन तो वो ये सारी एक्सरसाइजेस करने लगा और इतने में ही पूरी रात उसने ये एक्सरसाइज करी और उसने देखा कि सूरज की किरण आ रही है और सुबह हो गई है ट्रिम्फ्यू एंड द मुला वॉकड बैक टू द टी हाउस और ट्रिम्फ्यू एंड मतलब कि एक जीत वाली फीलिंग कि मैं जीत गया ऐसी फीलिंग के साथ वो अपने टी हाउस में वापस चला जाता है नाउ यू बिलीव मी दैट आई कैन विथ स्टैंड द कोल्ड बेटर देन द रेस्ट ऑफ यू तो वो कहता है कि अब तुम लोगों को हो गया भरोसा मुझ पर कि मैं कोल्ड से ठंडी से भी लड़ सकता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं नसरुद्दीन टोल्ड द मैन when द गैदर्ड अराउंड हिम ये सारी बातें नसरुद्दीन ने जब पूरे मैन उसके पास आके खड़े हो गए तब कही वी ओनली बिलीव यू आर अ गुड clown एंड एन acrobat हमें यही लगता है कि तुम एक गुड क्लाउन हो जोकर हो और एक्सरसाइज़ करने में एक्रोबेटो अच्छे हो एक्सक्लेम्ब दीवान दीवान ऐसा उसको कहता है बिसाइड्स यू हैव प्रूव्ड नथिंग और इसके अलावा तुमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया है सेड समीर स्लाइली ऐसा समीर कहता है नसरुद्दीन लुक्ड ऐट द मैन इन डिसबिलीव नसरुद्दीन को विश्वास नहीं होता कि ये लोग क्या कह रहे हैं हाउ हैव आई फेल्ड द टेस्ट मैंने अपना टेस्ट कैसे फेल कर लिया ही आज वो पूछता है We noticed that while running around the square हमने ये एक चीज़ नोटिस करी जब तुम स्क्वायर के आसपास भाग रहे थे यू ऑलवेज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस तुम बार बार एक घर के पास रुक रहे थे वे आर अ कैंडल वॉज बर्निंग एट द विंडो जहाँ उस घर की विंडो पे कैंडल जल रही थी दैट इज़ हाउ यू कैप योर सेल्फ हम और इसी कैंडल से तुमने अपने आप को गर्म रखा नसरुद्दीन कोड नॉट बिलीव हिज ईयर नसरुद्दीन के कान में बिलीव ही नहीं होने लगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं द the... द नियरेस्ट हाउस इज़ एट लीस्ट फिफ्टी फ़ीट फ्रॉम द स्क्वायर तो वो कहता है वो पास का घर तो कम से कम फिफ्टी फ़ीट दूर था दैट कैंडल एट द विंडो वॉज फर्दर अवे और वो कैंडल बहुत ज़्यादा दूर थी मुझसे इट वॉज़ बेर्ली स्ट्रॉग इनफ टू लाइट अप द रूम और वो कैंडल ऐसी थी कि वो रूम में ही इतनी रोशनी नहीं कर पा रही थी जो जल रही थी वो इतनी पुराने पुराना घर और अंधेरा था वो कैंडल इतनी ही नहीं कर पाई तो वो मुझे ही कैसे कर्म रख सकती वो भी इतनी दूर से हाउ कोड एट हैव वर्म्ड वन फ्राम सोफ़ा वी एग्री विद समर तो बाकी के सारे मैंस बोलते कि हमें समीर की बातों पर भरोसा है द अदर मैन इन्सिसटेड यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट द चैलेंज और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम ये चैलेंज हार चुके हो नसरुद्दीन लुकड थाटफुल नसरुद्दीन एक सोच में पड़ जाता है और कहता है इन दैट केस अगर ऐसा है आई विल भी हैप्पी टू वेलकम यू टू माई हाउस फॉर अमील एज वी हैड एग्रीड तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ अगर मैं हार गया हूँ तो अब हारने की शर्त यह थी कि वो इन लोगों को खाने पे बुलाएगा घर पे तो उसने कहा कि तुम लोग इनवाइटेड हो दैट इवनिंग द मैन टर्नड अप एट नसरुद्दीन हाउस फॉर द फीस और सारे मैन नसरुद्दीन के घर जाते फीसट के लिए खाने के लिए प्लीज विद डैमसेल्स एंड हैविंग प्रूवड द मुला रंग और वो बहुत खुश थे कि हमने मुला को गलत साबित कर लिया दे वर इन हाई स्पिरड्स लाफिंग एंड जोकिंग वो मजाक उड़ा रहे थे हंस रहे थे जोक्स मार रहे थे वैन आफ्टर थ्री आवर्स द फूड हैड नॉट बीन सर्व्ड तीन घंटे हो गए लेकिन नसरुद्दीन ने उनको खाना सर्व नहीं किया दे स्टार्टिड टू गेट इम्पेशन तो वो बहुत ज़्यादा सोच लिया कि अभी तक खाना क्यों नहीं आया है समीर मैंटीन टू द किचन टू लुक फॉर मुला समीर गया और किचन में देखा कि मुला क्या कर रहा है फिर वैन विल द फूड बी सर्व्ड तुम हमें खाना कब दोगे ही आज नसरुद्दीन वो नसरुद्दीन से पूछता है वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं खाने का इट्स बींग कुड सैड नसरुद्दीन कि वो खाना अभी बन रहा है समीर लुक डाट यूज पॉट फुल ऑफ राइस समीर देखता है कि एक बड़ा सा पॉट है जिसमें राइस है मीट है और वेजिटेबल्स है बट दे आर नो स्टीम कमिंग आउट ऑफ इट पर उसमें से कोई धुआँ नहीं आ रहा है जब खाना बनता है तो धुआं तो निकलता है या ही वेंट क्लोज है एंड टॉस्टेड वो उसके पास गया और उसने उसे टच किया द पॉट इज़ नॉट इवन वार्म येट वो कहता है ये पॉट जो है ये तो अब तक तो गर्म भी नहीं आओ ही शाउटेड ही बेंट डाउन टू चेक द फायर इन द कुकिंग पेट और वो नीचे झुक के फायर देखते हैं कि इसमें कैसी आग जल रही है कुकिंग पिट के नीचे वॉट ही सॉ वॉज वन लोन कैंडल बर्निंग अंडर और वो क्या देखता है कि एक छोटा सा कैंडल जल रहा है पॉट के नीचे हाउ इज़ दैट वन कैंडल गोइंग टू कुक द फूड इन दिस इनार्मस पॉट फिर वो कहता है कि सिर्फ़ एक ही कैंडल कैसे पूरा इतना बड़ा पॉट को गर्म कर सकती है ही यल्ड एंग्री टी एंग्रिली एंड नसरुद्दीन वो नसरुद्दीन के ऊपर ऐसे चिल्ला कर कहते हैं कि इतनी छोटी सी कैंडल इसको कैसे गर्म कर सकती है नसरुद्दीन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड नसरुद्दीन स्माइल करते हुए उसे बोलता है द सेम वे दैट द कैंडल एट द विंडो उसी तरह जैसे उस कैंडल ने जो विंडो पे थी हंड्रेड फीट अवे मेरे से सौ फीट दूर वार्म मी लास्ट नाइट जैसे उस कैंडल ने मुझे गर्म किया था तो वो उसको यही चीज़ बता रहा था कि तुम लोगों ने मुझे हारवा हार दिया ये कहकर कि सौ फीट दूर कैंडल मुझे गर्म कर रही थी लेकिन ये कैंडल तो इसके पास होकर भी इस पॉट को गर्म नहीं कर पा रही है So, like that, we have completed the explanation of this chapter. And now, in the copy, you have to write some word meanings that I am showing you here. Come to page number 54. So, you are going to write the word meaning ration, hardship, tri triumphant, withstand, and budge. These Word meanings which I have told you, you have to write it in your English copy. And in the next video, we will continue forward with our exercises.